अच्छा मीट का भी पीस है इसमें, तो पूरा खजाना है इसमें तो। हाँ टेस्ट सब सही है, घर से बनिया टेस्ट है। हाँ बकरे का सब है। अच्छा हाँ, और किसी तरह का लटर पटर नहीं है। कोई लटर पटर नहीं है, कोई लटर पटर नहीं है। ये जो हमारा मटन चाट है ये हो चुका है तैयार, अब इसे निकाला जाएगा बाहर। तो आज से कुछ दिन पहले हम लोग एक वीडियो डाले थे मटन चाप और लिट्टी का, वो वीडियो था फुलवाड़ी साइड का। उसी वीडियो पर एक कमेंट आया था कि कभी दानापुर साइड का भी कुछ नॉनवेज बनाइए। दानापुर हम लोग आए तो हैं, कुछ वीडियोज़ भी बनाए हैं, बट नॉनवेज का कोई खास स्ट्रीट फूड काइंड ऑफ नॉनवेज का बनाए नहीं थे। अल्लाह वल्लाह काफ़ी हो रहा है इधर। तो उस कमेंट में हम पूछे कि बताइए, कुछ सजेस्ट कीजिए कहाँ बनाया जाए, किस जगह का बनाया है। तो वो लोग सजेस्ट किए कि दानापुर में लहान आई हॉस्पिटल है, उसके सामने बिल्कुल इसी तरीके का एक कार्ट लगता है, जहाँ पर कि मटन का डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज मिलता है। बस ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते फाइनली उस जगह पर पहुँच गए और आज बनाने वाले हैं दानापुर साइड के एक नॉनवेज का वीडियो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। फिलहाल हम लोग खड़े हैं दानापुर में लहान आई हॉस्पिटल, मेरा बिल्कुल सामने में आप देख सकते हैं लहान आई सेंटर है। और इस एरिया को मछुआ टोली बोलते हैं, एक मछुआ टोली है उस साइड नाला रोड साइड, एक मछुआ टोली है दानापुर का मछुआ टोली है। लाइन से ही लोग यहाँ आइएगा शाम में तो दिख जाएंगे आपको मछली बेचते हुए। बस इसी एरिया में एक कार्ट लगता है, जहाँ की मटन के अलग अलग पार्ट्स का बना के दिया जाता है। मटन का जो भी अलग अलग पार्ट्स होता है वो क्या होता है वो चल के दिखाएंगे। तो मटन का जो भी अलग अलग पार्ट्स होता है, जो कि पटना सिटी साइड काफ़ी पॉपुलर है, पटना सिटी साइड बहुत सारा कार्ट मिल जाता है उस तरीके का पार्ट्स बिकता हुआ, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। अलग अलग चीज़ मिलता है, क्या है वो सब चल के दिखाएंगे, क्या रेट है वो बताएंगे। लोकेशन सिंपल सा है, होपफुली आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं, इनसे बात करते हैं और जो कुछ भी मिलता है वो दिखाते हैं। नाम हो भैया आपका? राजा कुमार। राजा कुमार, कितना पुराना है ये ठेला? लगभग 22-23 साल हो गया। अच्छा 22-23 साल हो गया है। और मतलब आपके पापा चलाते हैं इसे? पापा चलाते हैं। अभी कहाँ है वो? अभी कीमा ला गए। मटन कीमा? अच्छा मटन कीमा लाने गए हैं, बाकी जो वैरायटी सब है वो आप बना के रख दिए हैं? सब बना के रखा। क्लिक करके जरा दिखाइए क्या क्या है यहाँ। ये हो गया मटन पाया। अच्छा क्या रेट होता है इसका? 50। 50 रुपये का एक पाया? 50 का एक पाया। तो ये मटन पाया है, ये जो पूरा आप ये डोंगा देख रहे हैं इसके अंदर मटन पाया रखा हुआ है, इसमें क्या है? इसमें मटन है, लड़ है, चुस्ता। अच्छा मटन का जो लड़ और चुस्ता वाला पार्ट है? चुस्ता है, मटन है, कलेजी है। अच्छा लड़, भवड़ी, चुस्ता और कलेजी सब मिक्स है? सब मिक्स है। इसका क्या रेट है? ये 20-30-35-50-100। 20-30-35-50-100। मतलब इसका क्या सिस्टम है, 20 में क्या मिलेगा 30 में क्या मिलेगा? देखिए ये 25 है फेफड़ा। फेफड़ा हो गया 25 का। अच्छा 35 का कलेजी। 35 रुपये कलेजी, ठीक है। 35 हुआ मीट। अच्छा मीट का भी पीस है इसमें, तो पूरा खजाना है इसमें तो। और क्या है? लारा। अच्छा इसका क्या रेट है? 30। एक का है रेट 30 रुपये। अच्छा चिस्टा है 150 रुपये पीस। चिस्टा का साइज दिखाइए। ये हो गया 150 रुपये का एक पीस, पूरा फुल मिलता है, काट के नहीं मिलता है? फुल मिलता है। अच्छा तो जितना भी मटन का पार्ट है, लड़, चुस्ता, फेफड़ा, कलेजी, मटन का पीस सब मिक्स करके बनाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये क्या हो गया? ये कौन वाला पोर्शन होता है? 50-100। इसका रेट होता है 50 और 100 के आसपास, ठीक है। इसमें क्या हो गया? ये जो है ये हो गया लिट्टी, मतलब ये लिट्टी सेक के लाते हैं। सेक के लाते हैं। इसके अलावा भी कुछ मिलता है? और बस इतना ही आइटम रहता है। आलू फ्राई भी मिलता है यहाँ? आलू फ्राई भी मिलता है। ये किसके साथ मिलता है? ये खाली आलू मिलता है। और कोई सा भी डिश ले कॉम्प्लीमेंट्री आलू? सिर्फ सब से सिंगल पीस है। क्या क्या? सिंगल पीस मिलेगा आलू खाली, एक पीस आलू मिलता है मतलब साथ में। अच्छा और इसको फ्राई करते हैं, कुछ मसाला वसाला डाल के लाए हैं क्या इसमें? क्या क्या डाले हैं? हल्दी मिर्चा, धनिया। हल्दी मिर्चा और धनिया। और इधर जो है ये तवा पे सरसों तेल डाला गया है और इस तरीके से यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री आपको ये आलू मिलता है। ये एक नया सा चीज़ लगा। कुछ भी आप लीजिए, कोई भी आइटम लीजिए, एक पीस जो है ये आलू का आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ये मटन और लिट्टी बनना स्टार्ट हो रहा है, तवे पर सारा काम होगा। ये थोड़ा सा प्याज जो है ये डाला गया, अब जा रहा है भर भर के सरसों तेल। नेक्स्ट जाएगा थोड़ा सा हरी मिर्च। नेक्स्ट अब इसमें डाला जाएगा इस खजाने में से निकाल के एक पीस मटन। एक पीस मटन का क्या रेट बताया था भैया? 35 रुपये। 35 रुपये का एक पीस मटन है।
और अब जाएगा ये थोड़ा सा ग्रेवी। लिट्टी का क्या रेट हो गया? 5 रुपये पीस है। 2 लिट्टी डाल दीजिए। इस तरह से ये लिट्टी तोड़ के डाला गया और इस मटन को भी थोड़ा कट किया जा रहा है। और अब जो है ये डाला जाएगा थोड़ा सा इसमें एक ये इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से आप सब मिक्स करके भी अपना कुछ यूनिक सा बनवा सकते हैं, जिसमें कि इंटेस्टाइन ये लड़ वाला जो चीज़ है वो हो गया, मटन का पीस हो गया, कलेजी हो गया, सब मिक्स करके कुछ यूनिक सा डिश बनवा के आप खा सकते हैं। अब गया ये थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ता, एक कलेजी भी डाल दीजिएगा। अब इसमें डलवाते हैं, एक फेफड़ा भी है और एक कलेजी भी, हम लोग जो कलेजी है वो डलवाएंगे। एक इसे आप एक तरीके का मटन चाट समझ सकते हैं, मतलब हम लोग नॉर्मल वेज चाट खाते हैं, अलग अलग सब चीज़ को मिक्स करके दिया जाता है। ये वाला जो है ये मटन लवर्स के लिए ये चाट है। और अब जो है ऊपर से गया थोड़ा सा मीट मसाला, ये जो हमारा मटन चाट है ये हो चुका है तैयार, अब इसे निकाला जाएगा बाहर। अंकल आप यहीं पे रहते हैं? जी जी। तो आप तो खाते रहते होंगे यहाँ? जी। कितना साल से है ये दुकान? ये दुकान है 25 साल से। 25 साल से जी। आप खा कितना साल से रहे हैं? हम तो खा ही रहे पूरे जिंदगी से, बचपने से खा रहे हैं। बचपन से खा रहे हैं? हाँ। क्या खाते हैं? लड़ है, पचौनी है, गोरी है, लिट्टी है, आलू है, यही सब है। टेस्ट उस सही रहता है? हाँ टेस्ट सब सही है, घर से बनिया टेस्ट है। हाँ बकरे का सब है। अच्छा। हाँ और किसी तरह का लटर पटर नहीं है? कोई लटर पटर नहीं है। देख लीजिए सब साफ सुथरा बना हुआ है। नहीं साफ सुथरा तो है, ये बात तो है। डेली माल इनका बिक जाता है। अभी बता रहे थे कि इनके जो पापा है वो आएंगे, वो कीमा भी कुछ बनाते हैं यहाँ पे। हाँ कीमा भी रहता है, खस्सी का कीमा रहता है, बकरे का। अच्छा। इस सब में सबसे फेवरेट आपका क्या है? जैसे कीमा भी है, लड़ भी है, सब तो फेवरेट है। मतलब मूड पे है? नहीं मूड पर है, जो मन किया वो खाया। तो इधर जो है हमारा मटन चाट आ चुका है और इस चाट में आप देख सकते हैं कि लिट्टी डाला गया है, साथ ही साथ ये कलेजी जो है ये डाला गया है, ये इंटेस्टाइन जो है लड़ जो है वो डाला गया है, थोड़ा सा फैट वैट, बाकी ग्रेवी और थोड़ा सा मसाला। और यहाँ लोग आ रहे हैं अपना अपना बनवा रहे हैं, कोई जो है वो सिर्फ ये इंटेस्टाइन और लिट्टी का कुछ कॉम्बिनेशन बनवा रहे हैं, कोई जो है आके मटन के पीस के साथ बनवा रहे हैं। उधर भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डिमांड हम यही देख रहे हैं, जो इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, जो लड़ वाला पोर्शन है वो, और लिट्टी लोग बनवा के यहाँ खा रहे हैं। 5 बजे ये दुकान खुल जाता है और कस्टमर जो है वो आना शुरू हो जाता है। एक करेक्शन है, आलू कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन में वो बोल दिए हैं। आलू का अलग से रेट है, आलू जो है वो आपको अलग से मिलेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अब किया जाए टेस्ट, देखा जाए स्वाद। सबसे पहले खाते हैं लिट्टी को। जो सबसे पहला स्वाद आया, ऊपर से मीट मसाला डाला गया था उसका, बाकी लिट्टी सॉफ्ट सा है, बहुत वो कुरकुरा सा नहीं है, जो कभी कभी हम लोग कहीं कहीं खाते हैं तवे पे वो लोग बनाते हैं, हल्का कुरकुरा सा लिट्टी हो जाता है, बट यहाँ वाला लिट्टी जो है ये बहुत ज़्यादा तवे पे सेका नहीं गया, तो लिट्टी जो है वो सॉफ्ट जैसा है, सत्तू का मात्रा हल्का सा ही है, ज़्यादा नहीं है। अब जो है मटन को टेस्ट करते हैं। मटन का पीस बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, मुंह में जाके घुल जाएगा ऐसा सॉफ्ट है, बहुत सही। मसाला कम है, मसाला यहाँ ज़्यादा डाला नहीं गया, तो वो चटपटा वाला फ्लेवर वो सब कुछ आपको आने नहीं वाला है, मसाला बैलेंस हुआ है मेरा, ना तीखा लगेगा ना किसी एक पर्टिकुलर मसाला इसमें आपको हावी लगेगा, बैलेंस हुआ है मसाला और स्वाद है अच्छा। स्वाद नो डाउट अच्छा है, खा के आपको हैवी फील नहीं होगा। ये जो गर्मी के मौसम में बहुत लोग बहुत मसालेदार नहीं खाना चाहते हैं, वो आके ये ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको मसालेदार खाना है
तो बोल दीजिए, वो मसालेदार बना देंगे। ओवरऑल रिव्यू यही है कि बहुत स्पाइसी नहीं है, बैलेंस मसाला है, कोई तीखा वीखा वाला फील नहीं आएगा। तो कमेंट करके बताइए कि आप अगर दानापुर साइड रहते हैं तो कभी यहाँ खाएं हैं कि नहीं। अगर दानापुर साइड रहते हैं कुछ इस तरीके का स्ट्रीट स्टाइल मटन का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आप आके एक बार यहाँ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आके आपको अच्छा लगेगा। ख़त्म करते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच।